मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग वन वर्ड सीखने जा रहे हैं और वन वर्ड सीखने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नया तरीका यूज किया है जिससे कि हमारी वोकैब्स में चार चांद लग जाएंगे। अगर आप लोग शुरुआत से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली ट्रस्ट मी गाइज आपकी वोकैब्स में एकदम चार चांद लग जाएंगे। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, बस वीडियो स्किप मत करना, जहां तक हो सके वहां तक अच्छी तरीके से समझना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अभी मत देखिए, बाद में देखिए जब आपके पास टाइम हो। लेकिन चीजों को बेहतर सीखना ही इंसान को बेहतर बनाता है, याद रखिएगा हमेशा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चीजों को बेहतर तरीके से बेहतर सीख लेना ही इंसान को बेहतर बनाता है। आधा सीखो आधा ना सीखो उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आधा ज्ञान समझते हैं ना, एक कहावत बहुत ही शानदार कही गई है, तो याद रखिएगा इस चीज के बारे में। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने वन वर्ड लिखा हुआ है, मतलब ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इसका यहाँ पे वन वर्ड मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी तीन ऑप्शन जो है इसमें से गलत है। तो चलिए इनको मैं थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी करता चलूंगा जिससे कि इसके अलावा, मतलब इन वन वर्ड्स के अलावा, जैसे मान लीजिए चार सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनके अलावा भी आपको काफी बेनिफिट मिले। जैसे मैं यहां पर अगर चाहूं तो इसको मैं सिर्फ यहां पर एक ही ऑप्शन आपको देता कि बेटा ये जो है सही है, या माय डियर स्टूडेंट्स ये ऑप्शन सही है, बस बाकी डिस्कशन नहीं करता। लेकिन नहीं नहीं, मैं यहां पे सभी के बारे में डिस्कशन करूंगा जिससे कि अगर थोड़ा सा भी पॉइंट घुमा के कुछ और भी पूछा जाए तो आपको डेफिनेटली और दूसरा वन वर्ड भी मालूम होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, बस मेहनत करते चलिए, सब कुछ संभव है। तो देखिए, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो कि लुक्स मींस देखता है एट द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ, मींस जो कि मतलब जीवन के सकारात्मक, ब्राइट साइड का मतलब चमकदार पहलू, चमकदार पहलू को हम बोल सकते हैं, सकारात्मक पहलू ऑफ लाइफ कह सकते हैं, ऑफ थिंग्स कह सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जाहिर सी बात है, देखिए सभी में कॉमन सा लास्ट में जो है जुड़ा हुआ है IST, ठीक है, एक सफिक्स जुड़ा हुआ है IST, और प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में मैं आपको नॉलेज पहले ही दे चुका हूं, चैनल पे वीडियो है, प्लीज जो भी नए हैं प्लीज एक बार प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा भी ढेर सारी बातें बताई गई हैं, बस स्टेप बाय स्टेप पूरा करते चले चलिए, मजा आ जाएगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि सकारात्मक नजरिया रखता हो किसी चीज को देखने में, वो कहते हैं कि हर समय पॉजिटिव चीज को देखता हो, जीवन हो या अन्य कोई भी पहलू हो या अन्य कोई भी चीज हो उसमें सकारात्मक नजरिया रखता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। क्या मतलब होता है? जी हाँ, नोट कर लीजिए, इसका मतलब होता है आशावादी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि आशा पे डिपेंड करता है, कह सकते हैं उम्मीद रखता है हर एक चीज से, उसको बोलते हैं आशावादी। देन पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, जस्ट अपोजिट। अब देखिएगा यहां पे आपका एंटोनिम भी कंप्लीट हो रहा है, एक दूसरे के ये विरोधी वर्ड्स हैं। अगर ऑप्टिमिस्ट आता है तो एंटोनिम पेसिमिस्ट, और पेसिमिस्ट आता है तो एंटोनिम क्या होगा? जी हां, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका। फैटालिस्ट, फैटालिट, देखिए फैटालिस्ट जो है भाग्य से बना हुआ, किस्मत, फेट से बना हुआ है फैटालिस्ट, तो मतलब इसका मतलब हो जाएगा भाग्यवादी, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि भाग्य पर, किस्मत पर ट्रस्ट करता हो कि भाई मेरी किस्मत बेहतर है, मैं ऐसा करके रहूंगा या मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। बट किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो कि खुद अपना साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, याद रखिएगा। अपॉर्चुनिस्ट, अपॉर्चुनिटी से बना हुआ, सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिस्ट का मतलब हुआ एक ऐसा इंसान जो कि अवसरवादी हो, मतलब समझ रहे हैं ना, मौके पर चौका मारता हो बाकी साइड में रहता हो, तो उसको बोलते हैं अवसरवादी, ठीक है। आई होप क्लियर हुए ये सभी। ब्रदर केयर्स ए सिस्टर, अब यहां पे देखिएगा कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया जा सकता है ब्रदर केयर्स सिस्टर, बट यहां पर जरूरी नहीं है कि ब्रदर ही हो, याद रखिएगा। मैंने साइड वाले वर्ड्स आप लोगों को बता रखे हैं, साइड, ठीक है, वो भी आप लोगों को मैंने सफिक्स और प्रीफिक्स के टॉपिक में, सफिक्स जब मैंने बताया था तो उसमें मैंने साइड वाले वर्ड्स बताए थे। तो साइड का मतलब होता है किसी की हत्या कर देना, किसी को मार देना। तो यहां पर जैसे कहा गया ब्रदर किल सिस्टर, ध्यान से समझिएगा, स्किप मत करना, पॉइंट समझिएगा, ब्रदर किल सिस्टर, अब आगे कोई रीजन दिया गया हो चाहे ना दिया गया हो, पहली बात, भाई भाई ने बहन की हत्या की, आगे कोई रीजन बताया गया नहीं बताया गया, लेकिन वो कही तो हत्या ही जाएगी, ठीक है। अ
अच्छा अगर यहाँ पे सिस्टर के हर सिस्टर होता तो ठीक है, तो भी तो बात होता है, यहाँ पे तो भी तो बात वही थी कि बहन ने अपनी बहन को मार दिया, तो बहन को मारना यहाँ पर एक मेन मुद्दा बन रहा है। तो बहन को मारने के लिए सभी लोग जानते हैं यहां पर वर्ड यूज होगा सोरिसाइड, और आप लोगों को ये वर्ड मैं बता चुका हूं सोरिसाइड। सोरिसाइड का मतलब क्या होता है, बहन की हत्या करना। अब भाई मैट्रिसाइड का मतलब क्या हुआ, मैट्रिसाइड तुम्हारा हुआ, देखिए सभी में साइड लगा हुआ है, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, साइड का मतलब क्या हुआ, हत्या करना, और मैट्रिसाइड का मतलब होता मात्र हत्या, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी माता की हत्या करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मात्र हत्या या मात्र हंता। सुसाइड, सुसाइड का मतलब सु, समझ रहे हैं ना, सुसाइड तो सभी लोग जानते हैं आत्महत्या। होमिसाइड, होमिसाइड को बोलते हैं नरहत्या, ठीक है, होमिसाइड को बोलते हैं नरहत्या। तो हत्या सभी में जुड़ा हुआ है, क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके साथ एक बहुत ही खतरनाक वर्ड जुड़ा है साइड, तो इसीलिए यहां पे हत्या वर्ड जुड़ गया है इनके साथ में, ठीक है। ओके, आई होप ये बात क्लियर हुई। सुसाइड बहन की हत्या, मैट्रिसाइड माता की हत्या, सुसाइड स्वयं की हत्या है, स्वयं को मार लेना, होमिसाइड नर हत्या। अब इसके बाद अगर याद नहीं हो रहा है तो मैट्री का मतलब माता से जोड़ लो, ठीक है, सुई का मतलब स्वयं से, होमी का मतलब होमोसेपियंस भाई बोले जाते हैं ना, ठीक है, तो होमी मतलब मानव। अब इसके बाद देखिए, वन हु अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग वन्स पेरेंट्स, फिर देखिए अगर मर्डर आया तो वहां पर क्या जुड़ा हुआ है, देखिएगा साइड जुड़ा हुआ है, साइड का मतलब हत्या। वन हु अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग वन्स पेरेंट्स मींस एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर अपने ही माता पिता को मारने का आरोप लगा हुआ हो, ठीक है, दोष लगाया गया हो, उसको क्या बोलेंगे, पेरिसाइड बोलेंगे, होमिसाइड बोलेंगे, या फेटिसाइड बोलेंगे, या पैट्रिसाइड बोलेंगे। ये भी वर्ड्स काफी आपको बताए जा चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, मजेदार हैं, तो चलिए इधर से शुरू करते हैं। पहला वर्ड है पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड का मतलब होता है पितृ हत्या, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि अपने पिता की हत्या करता हो। और पैट्रिसाइड, जो पैट्री वर्ड आया हुआ है वो आया हुआ है पैटर शब्द से, ठीक है, जो पैटर शब्द से बना हुआ है, और पैटर का मतलब होता है लैटिन में फादर, ठीक है, याद रखिएगा पैटर का मतलब होता है फादर। तो यहां पर इसीलिए बना हुआ PATER है, इसका मतलब क्या हुआ, फादर, तो इसी से बना हुआ पैट्रिसाइड मींस फादर की साइड, साइड मींस हत्या करना, तो इसको क्या बोलेंगे, पितृ हत्या। फेटिसाइड, फेटस से बना हुआ है, बताया जा चुका है, फेटस मतलब भ्रूण, और साइड का मतलब हत्या, भ्रूण हत्या कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, फेटिसाइड। इसको फोइटिसाइड मत पढ़िएगा, इसको फेटिसाइड पढ़िएगा। नेक्स्ट वन इज होमिसाइड, ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, होमिसाइड। अब होमिसाइड यहां पर क्या हो गया, जाहिर सी बात है होमिसाइड के लिए हम जो है देखेंगे यहां पे फिर आ जाती है नर हत्या, देखिए यहीं पर आया हुआ है वर्ड नर हत्या, होमिसाइड, ठीक है। अब क्या बचा, पैरिसाइड। पैरिसाइड में मतलब, पैरिसाइड मतलब आप ऐसे मानिए पेरेंट्स की हत्या करना, गार्डियन की हत्या करना, मतलब इसमें मदर की भी हत्या हो सकती है पेरिसाइड वर्ड के अंदर, फादर की भी हत्या हो सकती है, और किसी क्लोज रिलेटिव की भी हत्या हो सकती है, उसको हम बोलेंगे पेरिसाइड। बट पैट्रिसाइड डेफिनेटली केवल और केवल फादर की हत्या पर ही होता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, पैटर शब्द से हुई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके, देन देखिए, तो अब यहां पर मैं क्या रखूंगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पैट्रिसाइड, क्योंकि मर्डर ऑफ वन्स पेरेंट्स, फादर या मदर नहीं कहा गया, पेरेंट्स, ठीक है, तो डेफिनेटली यहां पर क्या हो जाएगा, पैट्रिसाइड, क्लियर हुआ, ठीक है, सॉरी पैट्रिसाइड नहीं, पेरिसाइड। और यहां पर पैट्रिसाइड बिल्कुल मत नोट करना, क्योंकि ये पितृ हत्या पर ही यूज होता है। अ मेडिसिन दैट क्यूर्स ऑल डिसीजेस, एक ऐसी औषधि जो कि ठीक कर देती है समस्त बीमारियों को, भाई कोई भी ऐसी दवा जिसको हम मानते हैं कि वो सभी बीमारियों पर काम करती है, तो उसको हम कई नामों से जानते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं रामबाण औषधि भी कह देते हैं, जिसको हम लोग कभी कभी जो है सर्व रोग हर औषधि भी बोल देते हैं। सर्व रोग मतलब सभी रोगों को हर लेने वाली, सभी रोगों को खत्म कर देने वाली औषधि या दवा। अब देखते हैं यहां पे भाई वो वर्ड कौन सा छिपा हुआ बादशाह इनमें से है जो कि इसके लिए बना हुआ है। तो देखें, अब इधर से शुरू करते हैं, पेस्टिसाइड, ना जी ना, पेस्टिसाइड तो हो ही नहीं सकता, ये तो पेस्ट से बना हुआ है,
मतलब ये तो जीवाणुनाशी हो गया, जीवाणुओं को मारने वाला हो गया, सॉरी जीवाणुनाशी नहीं, ये तो कीटनाशी हो गया, ठीक है। पैट्रिसाइड हमारा क्या हो गया, कीटों को मारने वाला कीटनाशी हो गया, कीटनाशक हो गया। जर्म, जर्मिसाइड, जर्म से बना है, ये क्या हो गया, जीवाणुओं को नाश करने वाला या जीवाणुनाशी। बात समझ में आ गई, मतलब पेस्टिसाइड, देखिए साइड लगा हुआ है तो डेफिनेटली किलिंग ही है, तो पेस्टिसाइड मतलब कीट पतंगों का नष्ट करने वाला, पेस्टिसाइड जर्म्स को नष्ट करने वाला, जर्मिसाइड, ठीक है। एंटीबायोटिक सभी लोग जानते हैं, एंटीबायोटिक मतलब ऐसी दवाएं जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, जो कि किसी भी चीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दे उनको एंटीबायोटिक्स के रूप में कहते हैं। पैनासिया, पैनासिया आ गया तो इसका मतलब है राम बाण औषधि, ठीक है, राम बाण औषधि, या इसको बोल सकते हैं सर्व रोग हर औषधि, मतलब सभी रोगों को, जितनी भी बीमारियां हैं उनको हर लेने वाली, उनको खत्म कर देने वाली दवा को क्या बोलते हैं, पैनासिया, पी ए एन ए सी ए ए। तो आई होप क्लियर हुआ एकदम। बिल्कुल इसी तरीके के शानदार वीडियोस पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक शानदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर।